डेस्टिनी का 17th पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था तेकु के कुछ फन, और हमने ये भी देखा था जिमिन युंगी को बताने वाली थी क्या हुआ था उसके साथ। तो अभी हम चलते हैं, नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। जिमिन, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो बताने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो और मैं, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक साइको टाइप का पर्सन था। वो सबको कॉलेज में कहता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ तक कि उसके 2 फ्रेंड्स को उसने मेरे पीछे लगा दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। अगर मैंने किसी लड़के से बात किया तो वो पागल हो जाता था, वो साइको टाइप की हरकतें करने लगता था। व्हाट, और तुमने अपने मॉम डैड को कुछ नहीं कहा इस बारे में? हाँ, और तुमने कुछ एक्शन भी नहीं लिया? नहीं सर, मैंने मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। एक्चुअली एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन अगले दिन वो कहीं पे भी नहीं दिखा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जैक्सन ने उसे रास्ते से हटा दिया, और कॉलेज में भी कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि वो रिच घर का बॉय था और सब लोग उससे डरते थे। इसी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को रिस्क में डालना ज़रूरी नहीं समझा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसके लिए मैंने मेरे मॉम डैड को नहीं बताया। और एक दिन तो ऐसा हुआ। क्या हुआ जिमिन? हाँ, एक्चुअली उस दिन कुछ ये हुआ था। आज नहीं प्लीज, आज नहीं, मुझे इसका कॉल नहीं उठाना, ये वापस से परेशान करेगा। नहीं मैं नहीं उठाऊंगी तो वो घर पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। हेलो जिमिना, क्या तुम्हें इतना टाइम लगता है कॉल उठाने को? जल्दी से नीचे आओ, ओके? नहीं, मुझे नीचे नहीं आना, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक, प्लीज मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जिमिन बेबी, रोती नहीं, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, इसके लिए मैं नीचे आया हूँ। अगर तुम नहीं आई मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम्हें पता है ना मैं किसी के लिए भी नहीं रुकूंगा। तो आ रही हो कि नहीं तुम? नहीं नहीं, तुम मत आओ। अगर तुम रात के 2 बजे आओगे तो मैं मॉम डैड को क्या बोलूंगी? नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं आ रही हूँ नीचे, रुको मैं आ रही हूँ, ओके? आ रही हूँ। ओके, दैट्स माय गर्ल, जल्दी आ जाओ बेबी, मैं वेट कर रहा हूँ ना। हाँ, तुम्हें पता है मुझे वेट करना पसंद नहीं है, जल्दी आ जाओ बेबी, टाइम इज गेटिंग लेट, कम फास्ट। हमेशा मुझे धमकी देता था और मैं डर के मारे उसकी हर बात मानती थी, और ये तो कुछ भी नहीं था। एक बार तो उसने मेरा फोन ही हैक कर लिया था ये जानने के लिए मैं किसके साथ क्या बात करती हूँ करके। व्हाट, फिर तुमने क्या किया जिमिन? एक्चुअली मैं अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी सिवाय मेरी बेबी के। सो मेरी बेबी ने मेरी हेल्प की थी, तभी उसने मेरा फ़ोन हैक किया था। तो आपको तो पता है मैं आर्मी हूँ, तो हमें कोरियन लैंग्वेज दोनों को आती है, मुझे और बेबी को, तो हम दोनों कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उसे शक हो गया था, फिर उसने बेबी को गलत गलत बोलना स्टार्ट कर दिया था। फिर बेबी ने भी स्मार्टली क्या किया, फ्रेंडशिप तोड़ दिया था चैट में। तो उसे लगा कि ठीक है अभी कुछ नहीं होगा। फिर कैसे ना कैसे करके मैंने अपना नंबर बदला, मेरा फ़ोन को एक जिसने उसने किया था उससे मैंने बाहर निकाला। इतना सब कुछ हो गया, उसने मेरी लाइफ हेल बना के रख दी थी। जिमिन बुरा मत मानना, तुमने कहा बेबी, यू मीन बॉयफ्रेंड राइट? नो सर, बॉयफ्रेंड नहीं, वो गर्ल है, शी इज़ माई सोलमेट। हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही नामों से बुलाते रहते हैं। शी इज मोर देन फ्रेंड, उससे मैं हर बात शेयर करती हूँ, शी इज माई फ्रेंड। ओ थैंक गॉड, वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है। मतलब व्हाट डू यू मीन सर? कुछ नहीं जिमिन, वैसे जिमिन तुमने इतना सब कुछ सह लिया ये गलत है जिमिन। अगर तुम उसके हर बात मानती रहोगी वो तुम्हारा फायदा उठाते ही रहेगा, तुम कैसे अपनी लाइफ जी पाओगी जिमिन? इट्स नॉट गुड।
मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया सर, यहाँ तक मैं ये सिटी छोड़ के जाने के लिए भी रेडी थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। लेकिन इतनी सारी तकलीफों के बाद वो मोमेंट आया जब भी वो ये सिटी छोड़ के जाने वाला था, ये कंट्री छोड़ के जाने वाला था, क्योंकि उसके डैड ने बिजनेस के सिलसिले में उसे पेरिस बुला लिया था, वो वहीं पे शिफ्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि वो उसका चैप्टर खत्म, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा बैड लक कि वो वापस आ गया मेरी लाइफ में। अभी मैं कुछ नहीं जानती मैं क्या करूँ। जिमिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके नहीं सर, अब प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैंने आपको सेल्फिश होके रोक लिया था, लेकिन प्लीज अब चले जाइए सर। व्हाट, क्या बोल रहे हो जिमिन, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, मैं सही कह रही हूँ, आप उसे नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा वो क्रूर है, वो कुछ भी कर सकता है। एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया, उसके साथ उसने ये सब कर दिया, तो सोचो आप तो मेरे साथ मेरे घर पे रह रहे हो, तो वो आपके साथ क्या करेगा? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कुछ भी हो सर, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। इसी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, उन्हें ना कुछ हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए। वो बहुत ज्यादा डेंजरस है सर, आप नहीं जानते, वो साइको टाइप का है, वो कुछ भी करेगा, उसे जो चाहिए वो चाहिए, उसे नहीं मिलेगा तो वो किसी का भी उन्हें नहीं देगा। प्लीज सर मेरी बात मान लीजिए। जिमिन शांत हो जा, इतरा शांत हो जा, तुम्हारी सांसें फूल रही है, काम डाउन। नहीं सर आप नहीं समझ रहे, आपकी लाइफ में भी रिस्क हो सकता है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, और आप मेरी वजह से अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं सर, प्लीज समझिए मेरी बात को। जिमिन लिसन मी केयरफुली, अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम मुझे पहले कह देती तो मैं चला जाता, ये सब जानने के बाद मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम अकेले यहाँ पे हो, और अपने किसी फैमिली मेंबर्स के पास भी नहीं जा सकती, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊँ उस जानवर जैसे इंसान के सामने। हाँ तुम क्या समझती हो जिमिन, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा आर्टलेस इंसान लगता हूँ जिमिन, कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़ के चला जाऊँ सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए? हाँ अब मुझे पता है ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, सो डोंट वरी। ओके अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं खाना लेके आया हूँ, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे, और हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे इस बारे में। ओके बट सर वो कुछ भी कर सकता है, वो डेंजरस है, वो अपने पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता है, आई नो वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है जिमिन, अगर उसके पास पैसे है तो मेरे पास नहीं है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं दिखाता नहीं हूँ? नहीं सर मैंने ऐसा कर तो नहीं कहा, वैसे तो मेरे डैड के पास भी पैसे हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मेनियक टाइप का इंसान है, उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं चलेंगे, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकती। जिमिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूँगा। ओके और तुम्हारे पेरेंट्स आने तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, दैट इज फाइनल, नो मोर डिस्कशन। तुम ये सब ये इसलिए तो नहीं कर रही हो ताकि तुम्हें मेरा केयर करना पड़े गेस्ट की तरह? हाँ इसलिए तो तुम मुझे भगाना तो नहीं चाहती हो? अब क्या कह रहे हैं सर, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आपको ये सब से अलग रखना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कह रही हूँ। रिलैक्स जमेल, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके तुम तो सीरियस हो गई, कोई बात नहीं मैं अभी आता हूँ। बेबी बेर तुम्हारा चुपना वेस्ट है, बाहर आ जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया फिर तुम मुझसे बच के जा नहीं पाओगे, तो चुपचाप बाहर आ जाओ। वेट अ सेकंड, तुम क्यों इतना ज्यादा चिढ़ रहे हो बनी? हाँ अगर उन लोगों की बॉडी अच्छी है तो अच्छी है ना, तुम क्यों इतना जल रहे हो वो बताओ। रुको तुम्हें जानना है ना, मैं तुम्हें वहाँ पे आके बताता हूँ, वहीं पे रुको आता हूँ। ओ गॉड तुम्हारे पेट वापस से गुड़ गुड़ करना स्टार्ट कर दिया, रुको मैं पहले तुम्हारे पेट को भरता हूँ फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम क्या खाओगी, यही तो मैं पूछने आया था यहाँ पे। पिज्जा खाऊंगी एंड टॉपिंग्स, अनियन टोमेटो बेबीकॉर्न कैप्सिकम मशरूम एंड पनीर, बाकी 5 टॉपिंग्स तो ठीक है, लेकिन पनीर, पनीर कौन डालता है पिज्जा में बेबी बेर? हाँ ये तुम्हारा टॉपिंग्स है या ऑथर का? बिंगो पनी बॉय यू आर राइट, दैट इज माय फेवरेट टॉपिंग। जो भी हो ऑथर का फेवरेट हो या मेरा फेवरेट हो तुम जाके लेके आओ, मुझे भूख लगा है। मुझे पता था ऐसे इन्वेंटिव और यूनिक टॉपिंग्स ऑथर ही मांग सकती है, एनीवे मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या बात हुई, तुम मेरे बनी बॉय हो, इसके लिए फायदा उठा के मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती करके जा रहे हो,
बट डोंट वरी बनी भाई, मैं इसका तुमसे सोच समेत बदला लूंगी। हाँ हाँ देख लेंगे वो भी। ये तो गया, इससे पहले तो मैंने जिमी शे को कॉल करना ही भूल गई, वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। वापस से कॉल करके देखती हूँ इस बार वो उठा ले। A few moments later. हेलो जिमी शे, क्या कर रही है यार? मैं कल से तुझे कॉल कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रही है, कुछ भी नहीं, तू ठीक तो है ना? मैं कितनी वरीड हूँ तेरे लिए। हेलो तेयोंशे, पूछ मत यार क्या हुआ, कल मेरे साथ बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वैसे वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया, साफ साफ मुझे बता जिमी शे। फिर जिमिन सारी बात तेयोंग को बताती है जो जो उसके साथ हुआ। सो ये सब हुआ बेबी मेरे साथ। वैसे तू क्यों मुझे कल से कॉल कर रहे थे, तुझे कुछ बताना था क्या? हाँ हाँ मुझे बताना तो था, लेकिन तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मैं कैसे बताऊँ? मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए। चुप कर वरना मैं तेरे मुंह पे लात मार दूंगी। और बता क्या हुआ तेरे साथ, इतना सब कुछ तेरे साथ कल हो गया फिर भी तुझे मेरे मुंह पे लात मारनी है। एनीवे मैं बताती हूँ, तुझे तो पता है ना हम दोनों हमारे पास्ट लाइफ के पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे, हमें जानना था, फाइनली मुझे मिल गया, मुझे मेरा बनी मिल गया जिमी शे। क्या तुझे तेरा बनी मिल गया? कैसे, कौन है वो, कहाँ पे मिला, तू कैसे मिली उससे, क्या हुआ, सब बता मुझे। देख शांत हो जा बेबी, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तेरे साथ जो हुआ वैसे ही मेरे साथ लगभग हुआ, लेकिन मुझे मेरा बनी मिल गया। रुक मैं बताती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ। फिर तेयोंग सारी बात जिमिन को बता देती है। वाह यार, तुझे तेरा मिल गया, तेरा बनी, तेरे पास्ट लाइफ का तेरा लवर मिल गया, वाह। वेट अ सेकंड, तूने कहा तेरा बॉस वही तेरा बनी है, तू भूल गई क्या? तू किस मकसद से उस ऑफिस में गई थी, वो क्या होगा अभी तेरा? ओ नो जिमिशे, तूने सही कहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं क्या करूंगी, वही मेरे बॉस है, वही मेरा बनी है, अभी मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे बॉस से बात करना पड़ेगा। और एक बात, मेरे बॉस मेरे साथ ही मेरे घर में ही रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट वो मेरे साथ ही है, जब तक मॉम डैड नहीं आते उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ ही रहेंगे। तेयोंगशे सो स्वीट ऑफ हिम, आई होप मुझे जैसे मेरा बनी मिल गया तुझे भी तेरा पास्ट लाइफ का पार्टनर मिल जाए। आई रियली विश जिमिशे। पता नहीं तेयोंगशे ऐसा दिन आएगा भी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ तो कुछ ना कुछ तो कर, मैंने सोचा भी नहीं था यार, मैं जिस बॉस को इतना खड़ूस इतना बदतमीज समझते थे वो मेरी मदद करेंगे सबको छोड़ के, वो तुझे नहीं पता उन्होंने मेरी कितनी मदद की है बेबी। सर आप यहाँ पे बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके बाय। इसे क्या हुआ, इसने फोन क्यों कट कर दिया, शायद काम होगा। बनी तुम कब आए, तुम कब से मेरी बात सुन रहे हो? हाँ जब तुम अपने डीप बातों में खोई हुई थी ना तभी मैं आया, अभी आ जाओ खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तुम्हारा पिज्जा। हाँ हाँ चलो चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगा है। ओ तो मैं खड़ूस बदतमीज और क्या क्या हूँ मैं जिमिन, मुझे बताओ, मुझे ही नहीं पता मैं इतना सब कुछ हूँ, बताओ ना जिमिन। वो सर आप मुझे गलत समझे, आप मुझे पहले खड़ूस और बदतमीज लगते थे जब मुझे परेशान करते थे, मुझे डांटते थे तब, अभी नहीं। ओके इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे आराम से, अभी डिनर कर लेते हैं चलो। ओ नो तू तो गई जिमिन, ये क्या हो गया, मेरा मुंह फिसल गया, आई मीन मेरा ज़बान फिसल गया। सो बेबी बेयर मैंने तो फ्रेश हो गया, मैं अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा है, तुम भी फ्रेश होके सो जाओ ठीक है, कल लास्ट है, कल हमें कैसे भी करके काम खत्म करना है। हेलो मिस्टर बनी, कहाँ जा रहे हो बेड की तरफ, तुम अम्मा ईशा की तरह तुम सोफे पे सोगे और मैं बेड पे सोऊंगी, समझ गए, बेड की तरफ आने के बारे में सोचना भी मत मिस्टर बनी। हेलो मिस बेबी बेयर, पहले की बात अलग थी, तभी मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस था, लेकिन अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ, तो मैं बेड पे ही सोऊंगा, मुझे नहीं सोना उस सोफे पे, मेरा कमर दुख जाता है यार, मैं नहीं सोने वाला, कितना परेशानी होता है तुम्हें समझ भी नहीं आता, मैं नहीं सोने वाला, दैट्स इट। मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं चंकोक, मैंने भी कह दिया हाँ मतलब हाँ, नहीं मतलब नहीं चंकोक, मैंने कह दिया हाँ तेयोंग, मैंने कह दिया नहीं चंकोक,
बस बहुत हुआ, रुक जा। हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो सुबह तक लड़ते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, जो बेड के पास पहले जाएगा वो बेड पे सोएगा। ओके फाइन, ओके फाइन, दूसरा इंसान सोफे पे सोएगा, मंजूर है, डन। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। सारंगी, बाय बाय, अन्योंग, सी यू सून।